पंचास्तिकाय शास्त्र में, जिसकी रचना लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुई है, तीन प्रकार की चेतना बतलाई है। चेतना अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस कहते हैं, एक तो कर्म फल चेतना, जो भी अपन ने किया कराया है उसका जो नतीजा आ रहा है सामने, बस वो चाहे सुख रूप हो या दुख रूप हो, उसको भोगना है कर्म फल चेतना। और भोगते समय न तो आनाकानी की जा सकती है, न उसको बदला जा सकता है, न उससे भागा जा सकता है। ऐसी चेतना का नाम कर्मफल चेतना है। फिर दूसरी एक चेतना है कर्म चेतना। कर्म का एक अर्थ होता है पुरुषार्थ। तो जब कोई भी स्थिति जीव के सामने उपस्थित होती है, तब यदि वह पुरुषार्थ कर ले, किसी भी तरह का पुरुषार्थ कर ले, तो उस पुरुषार्थ काल में होने वाली जो चेतना है वो कर्म चेतना है। और इन दोनों तरह की चेतनाओं से अलग एक तीसरी चेतना है ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना में सिर्फ जानना होता है, न तो भोगना होता है न करना होता है। कर्म फल चेतना में भोगने की पद्धति है, प्रक्रिया है, और कर्म चेतना में कुछ करने की प्रक्रिया है। भोगने की प्रक्रिया को भोक्तृत्व कहते हैं, करने की प्रक्रिया को कर्तृत्व कहते हैं। और ज्ञान चेतना में सिर्फ जानना है। इसका उदाहरण, कोई समुद्र तट पर जाता है और वहाँ समुद्र की लहरों को देखता है, बीच पर उस तट पर जो दुकानें लगी हुई हैं, जो पर्यटक लोग आए हुए हैं, और जो अन्य अन्य प्रकार की गतिविधियाँ चल रही हैं, उन सब को वो देखता है तटस्थ होकर के, तो उसमें उसके अंदर किसी तरह की खलबली नहीं है। वो देखते हुए मात्र जान रहा है, अंदर कुछ कर नहीं रहा है। और यदि भुट्टे वाले को देखकर अथवा गुजरात के समुद्र तटों में सूरत के पास डुमस में तो ज्वार की पोंख एक खाद्य है, उसको देखकर वो बाकी सब जगह से अपना ध्यान हटा लेता है और उसके अंदर एक आकांक्षा उत्पन्न होती है कि चलो आज ये खाया जाए, और वहाँ चला जाता है। तो इस चेष्टा को कर्म चेतना कहेंगे। और कर्म फल चेतना क्या है? उस दृश्य में कुछ तट के पेड़ पौधे हैं, शरारती बच्चे उनकी टहनियों को खींच रहे हैं, उनके पत्तों को तोड़कर इधर उधर फेंक रहे हैं, और कुछ लोग पत्तों की पुंगियां बना करके बजा भी रहे हैं। वनस्पति निर्जीव वस्तु नहीं है, उसमें जान है, लेकिन
जो भी सुख दुख है उसको मात्र भोगना है, वो कुछ कर नहीं सकती। ये उदाहरण है। वास्तव में देखा जाए तो सूक्ष्मता से विचार करने पर जो तटस्थ होकर के सारे दृश्यों को देख रहा है, जान रहा है, उसके अंदर भी जो देखने की इच्छा है वो ज्ञान चेतना नहीं है। तो ऐसी ये चेतनाएं हैं तीन तरह की, और इन तीन तरह की चेतनाओं के अंतर्गत फिर जो गहराइयां प्राचीन ऋषियों ने मुनियों ने निकाली है वो अनूठी है। और जिज्ञासुओं के लिए रोचक भी है। कर्म फल चेतना भोक्तृत्व, कर्म चेतना कर्तृत्व, ज्ञान चेतना ज्ञातृत्व, तटस्थता, निर्विकल्पता। और कुछ लोगों की भाषा में साक्षी भाव, विटनेस। साक्षी अपराधी नहीं माना जाता, जो इंडल्ज होता है वो अपराधी होता है। तो संसार की जो कैद मिली है जीवों को, जब मुक्ति की बात करते हैं और बंधन की बात करते हैं, तो वो जो संसार की कैद है वो राग द्वेष मोह इन भावों से है। और मुक्ति जो है वो उस तटस्थता से है, निर्विकल्पता से है, समता भाव से है। ये बात कहने में और सुनने में तो बड़ा आसान लगती है, बहुत सरल लगती है, लेकिन निर्विकल्प होना जटिल काम है। मुझे निर्विकल्प होना है, ये भी विकल्प है। विकल्प का अर्थ विचार, ऐसा विचार जिसमें मैं पर सब कुछ केंद्रित हो रहा है। मैं निर्विकल्प हूं, ये विकल्प है। द डिजायर टू बी डिजायरलेस इज स्टिल अ डिजायर। इच्छा रहित होने की इच्छा भी इच्छा ही होती है। तो जब योगी ध्यान में जाते हैं तो ध्यान में जाने के समय क्या करते हैं? ज्ञान ध्यान दो बातें हैं। यदि ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान किसका होगा? ध्यान ध्येय का होता है, जिस पर लगाया जाता है उसको ध्येय कहते हैं। और ध्येय जितना स्पष्ट होता है ध्यान उतना सुंदर हो सकता है, होता है, ऐसा नियम नहीं है, हो सकता है। इसलिए पहले स्पष्टता आवश्यक है। क्लियर कॉन्सेप्ट्स, यानी जो अपनी धारणाएं हैं उनको स्पष्ट करना जरूरी है, और वो स्पष्टता दर्शन से आती है। फिर धर्म से उसका अभ्यास और आचरण होता है। दृष्टि के अभ्यास का नाम साधना है, यानी दृष्टि हो गई दर्शन और उसका अभ्यास हो गया साधना, और साधना धर्म का, धर्म कह सकते हैं साधना को। कई ऐसे उदाहरण आते हैं। पिछली शताब्दी के एक संत बड़े भारी तपस्वी थे, सब संप्रदाय वाले उनका अदब करते थे। एक बार किसी ने कहा कि ये गांव मुस्लिम भाइयों का है,
यहाँ पर आप जैन साधु होकर के ऐसे रुकेंगे तो फिर आपके बदन पर कपड़े भी नहीं हैं, कोई उपद्रव हो सकता है। रुके, और जब गांव वाले उनके पास आया तो देख देख करके अलग अलग तरह के उनके अंदर विचार उठे। लेकिन उसके बाद एक भाई बोले, उनकी ओर इशारा करते हुए बोले, तने और यानी से बेहतर नहीं कोई लिबास, ये वो जामा है जिसका नहीं उल्टा सीधा। यानी ये बालक जैसी मुद्रा, जन्मे हुए बालक जैसी मुद्रा है, इससे बेहतर कोई लिबास नहीं है। नहीं, मोहम्मेडियन भाई बोल रहे हैं कि इससे बेहतर कोई लिबास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वो जामा है जिसका नहीं उल्टा सीधा। बाकी जितने ड्रेस होते हैं, अब सिलाई को देखोगे तो कभी अंधेरे में पहन लो तो फिर बाद में पता चलता है कि शर्ट उल्टा पहन लिया, पर ये वो भेष है जिसमें उल्टा और सीधा वाला हिसाब होता नहीं। ये तो कुदरत की पोशाक है। उनके जीवन के कुछ किस्से ऐसे मिलते हैं कि वो ध्यान में बैठ जाते थे और कई बार कुछ संकट, कई बार कुछ चमत्कार भी हो जाते थे। कभी-कभी उनके शरीर को चींटों ने काटा भी है, और इतना काटा कि खून बहने लग गया, फिर भी वो बैठे रहे, कोई शिकायत नहीं, बिल्कुल शांत। और कभी उनके शरीर से सांप लिपट गए, लेकिन फिर भी वो वैसे के वैसे ही बैठे हैं। पंडित सुमेर चंद्र दिवाकर जी सिवनी के एक विद्वान हुए हैं, वो हिंदी भाषा में जब उन मुनिराज का जीवन परिचय लिखने जा रहे थे, तब तो उनने कहा कि क्या लाभ है। गुरु ने समर्थन नहीं किया कि मेरे जीवन का परिचय लिखा जाए, उन्होंने बल्कि कहा कि क्या लाभ है, बड़े बड़े महापुरुष हो चुके हैं, पर फिर भी पंडित जी ने वो परिचय लिखा। और उसमें कहीं शुरू शुरू में उनने ये पंक्ति लिखी है कि आज के उन्नत वैज्ञानिक युग में, जहाँ चारों ओर विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, कौन कल्पना कर सकता था कि दक्षिण भारत की किसी गुफा के अंदर एक योगी राज ध्यान में लीन है और उनके शरीर से सांप लिपटे हुए हैं। जब इस दृश्य को दक्षिण के किसी पत्र ने छापा, इसका चित्रण किया, चित्र तो नहीं था लेकिन चित्रण था, तो फिर खलबली मच गई। वो कौन से साधु हैं, कौन से संप्रदाय के साधु हैं? दरअसल जो सच्चे साधु होते हैं वो सबके होते हैं, और जो दीवार खड़ी करने वाले होते हैं वो सीमित होते हैं। उन योगी राज का नाम था आचार्य शांति सागर, उनको चारित्र चक्रवर्ती भी कहा जाता था। 9938 निर्जल उपवास उन्होंने अपने जीवन काल में किए थे। 9938 उपवासों को अगर 360 से भाजित किया जाए तो लगभग 27 वर्ष उनकी जिंदगी के उपवासों में व्यतीत हो गए थे। और उन उपवासों में भी वो क्या साधना करते थे, उनकी आँखों को देखो, कभी कोई चित्र आपको मिले उनका, उनकी आंखों को देखना, कभी भी किसी भी चित्र में,
ऐसा लगता है कि उनकी आंखों से करुणा बरसती है। आंखें हृदय की भाषा बोलती है, जुबान दिमाग की बात करती है। दिमाग में जो भरा है वो मुंह से निकलता है, और दिल में जो होता है वो आंखों से बरसता है। उनसे पूछा पंडित सुमेर चंद जी ने कि आचार्य श्री, जब वो सांप आपके पास आया तो तू यमराज का प्रतिनिधि है, आपको डर नहीं लगा? तब उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया कि नहीं, ये उसका कुछ बिगाड़ा हो तो वो मेरा कुछ बिगाड़े, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा तो वो कुछ नहीं करता। फिर पूछा कि आप उसको देखकर क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, हम तो ध्यान में थे, वो हमें देख रहा था, हम उसको देख रहे थे, कुछ नहीं। तटस्थ, तो ये तटस्थता बहुत बड़ी चीज है। स्टिलनेस इज स्ट्रेंथ, शांति का नाम शक्ति है। जो जितना अशांत है वो उतना दुर्बल है, और जो जितना शांत है वो उतना बली। भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ एक शब्द आया है, स्थिता प्रज्ञा यस्य सः, स्थित प्रज्ञ है जिसकी प्रज्ञा यानी जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो दुनिया को देखता है, जानता है, उसमें खलबली नहीं होती, उसकी शांति भंग नहीं होती। अभी एक जानकी माँ है, उनका भी परीक्षण हुआ, उनके मस्तिष्क पर यंत्र लगाए गए, उनने भी ऐसी साधना की, ऐसा अभ्यास किया कि इवन टॉर्चर करने पर भी ब्रेन वेव्स शांत रहते हैं। तो ये स्टिलनेस जो है ये एक महत्व की चीज़ है, शायद ज्ञान चेतना में सहायक बने। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।